जैसे एंजेलिना जॉली की परसेंटेज में भाई, एक तो उसकी बॉडी, ओ भाई मैं तो अभी भी, एक तो उसने फिटेड पहना हुआ था नाइकी का, इतनी मैं देखा कितनी लाइक इतनी, और जो फिटेड होती है इतनी टाइटी पहन के उसके मुझे टाइटी क्या होता है, टाइट जो होता है करेगी, और मैं ऐसे हाथ मिलाऊंगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ही ना यहाँ, बस ऐसे 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 करके ऐसे करूंगा, बता बता ऐसे तो नहीं कर सकता ना मैं उसके साथ। भाई अभी मैं ना जिम से आया हूँ, आज इतना जहरीला प्रैंक होने वाला है, मेरे दिमाग में खुराफात है कि मैं आज आकांक्षा को ये बोलने वाला हूँ, भाई मैंने जिम में ना बहुत तगड़ी, बहुत स्मार्ट, बहुत हॉट बंदी देखी है, और आज ही वो जिम आई है, पर्सनल ट्रेनिंग भी मांग रही है, दोस्त की दो एक दोस्त ने रिकमेंड करा था उसको जिम, तो उसको उसने पर्सनल ट्रेनिंग भी चाहिए, और क्या भाई साहब क्या फिट है वो, पहले से वर्कआउट करते हैं, उसको तो बस एक बंदा चाहिए जो बहुत बढ़िया वर्कआउट करा दे साथ में, तो वो मतलब एज अ पार्टनर वर्कआउट करना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी नहीं, वो चाहते कि जो वर्कआउट मैं करूँ वही वो करे। ओ भाई उसके मैंने हाथ छुए थे यार, मजाक कर रहा हूँ, उसको बोलने वाला हूँ ऐसा मैं, और कितने कोमल हाथ थे, जब छुआ ही नहीं मैंने तो, लेकिन उसको खिलसाने के लिए करेंगे ना हम ये सब हरकत है, तो क्या हरकत होने वाली, जुड़े रहिए मुस्कुराते रहिए, आपको प्रैंक कैसा लगा, जहरीला लगाना है तो कमेंट करके जरूर बताना। अंकी अंकी आ गई तू है? भाई, कितनी पोटी करेगी, टट्टी बाजी करेगी सारी, बेवकूफ है क्या, बाथरूम में घुस गई जब से आया हूं मैं। अरे मैं एक बार डेटा केबल ला के दे दे मेरे को यार, एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ठंड लग रही है जी वो, और पता है क्या, ठंडे पानी में बेटे जो पीछे लगा होगा जेट जेट जैसी लग रहा, सन्नाटा आ गया एकदम से। सुन वो दूध नहीं है यार, चाय कॉफी बनानी है। अरे तू आ जाएगा, तू मैं एक तो मैसेज कर दूंगा, मैं जिम से निकलता हूं। हां चलो बैठा रहता है ऐसे उसमें, चलो भाई साहब आज तू यकीन नहीं करेगी, तेरे को पता है ना मैं लड़कियों की तारीफ बहुत कम करता हूं। मेरी तो करता ही नहीं है, करी थी तभी तो तू गर्लफ्रेंड बनी थी मेरी, फिर तेरी साथ शादी हो गई, शादी के बाद थोड़ी तारीफ करते हैं, अच्छा कर देते हैं। भाई साहब वो बंदी आज जो आई थी जिम में, कौन आ गई, आई थी बहुत बहुत इतनी स्मार्ट, तू देखेगी ना तू भी तारीफ कर देगी उसकी, ठीक है भाई, मतलब कि जिसमें वो नहीं कहना मैं अप्सरा काइंड ऑफ आई थी, मैं कह रहा हूँ हॉट जिसे कहते हैं, जैसे हॉटनेस में किसका नाम लूं, मेरा ना जैसे तारस उतारी सुंदर है, हॉट में अगर हम डिफाइन करें, जैसे एक्ट्रेस भी नहीं समझ आ रही मुझे तो यार, क्या है जैसे एंजेलिना जॉली की परसेंटेज में भाई, एक तो उसकी बॉडी, ओ भाई मैं तो अभी भी, एक तो उसने फिटेड पहना हुआ था नाइकी का, राजा जी नाइकी का स्पोर्ट्स जो भी आती है वो पहनी हुई थी, हल्का सा ऐसे डाला हुआ था उसने, इतनी मैं देखा कितनी लाइक इतनी, और जो फिटेड होती है इतनी टाइटी पहन के उसके मुझे टाइटी क्या होता है, टाइट्स जो होती है, और ये जो लड़की की बोल जाती जो जैसे टेनिस में होती है जो स्कर्ट जो उठी रहती है, तो उसके ऊपर जैसे हाँ, ओ भाई साहब दिशा पाटनी, दिशा पाटनी देखी ना, दिशा महंगा सोफा नहीं है, दिशा पाटनी जितनी हॉट लगती है भाई साहब बवाल, मतलब वो दिशा पाटनी फील होगी, हाइट उसकी कहाँ, अब रेफरेंस आई हुई बता रहा हूँ, आई तो सेक्टर 23 से, क्योंकि उसने उसको चाहिए बंदा जो मतलब ढंग का वर्कआउट करता हो, उसको मतलब पर्सनल ट्रेनिंग नीचे उधर पहले इस पे से पर्सनल ट्रेनिंग नीचे उधर सोफा खराब करेगा, चिढ़ रही है ना सोफा खराब हो जाएगा नीचे, पहले सुन तो ले, मैं इसलिए तो कहता हूं कि तू वर्कआउट पे ध्यान दे लिया कर, उसके अबे तू तो रील भी नहीं बनते, तो देख सुन ना वो 23 में रहती है, मेरे दोस्त था जिसको पर्सनल ट्रेनिंग देता था पुराने वाले जिम में जब मैं ट्रेनर था, उसने रेफरेंस देते कि उसने कहा कि भाई मेरे को वर्कआउट वर्कआउट करना है ऐसे, और ऐसा चाहिए कि जो पर्सनल ट्रेनिंग भी दे लेकिन वर्कआउट भी साथ करे, तो वो तो वैसे उधर जिम में है एम्पायर फिटनेस, उधर बोला लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार मैं नहीं जा सकता, तो वो आज आईफोन आया और वो भाई साहब बात करने के 15-20 मिनट बाद ही आ गई वो, उसके भाई उसने जब मतलब आई तो वैसे थी जैकेट पहन, लेकिन जब उसने वर्कआउट करने के लिए कपड़े पहने ना वो भैंस की आंख, मैं इसलिए तो कहता हूँ तू चला कर, मेरा ध्यान भटक गया आज उसको तेरे टाइम से एडजस्ट करने के लिए तैयार था, तब तेरे भाग लग गई थी नहीं जाऊंगा टाइम से,
भाई वो 25,000 डीएलएफ हाँ। में देती जब वो उधर रहते उसे, उसकी फैमिली का अन्ना पैसा है, वो अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। नहीं इसमें क्या दिख, उस लड़के को क्यों नहीं दे रहा था ट्रेनिंग, वो भी तो दे रहा था 20-25 तो वो भी बोल रहा था। पागल है क्या, वो तो 3 महीने इकट्ठे 20,000 रुपए था। तो जो भी है वो तेरे टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, तो मेरे को भी कोई पार्टनर मिल जाएगा सुबह, वो भैया के साथ करता हूँ, भैया का भी ऑफिस शुरू हो गया, मैं चल लूंगी इतना तुझे पार्टनर। भैया जो भी वीडियो देखता है ना, व्लॉग व्लॉग देखता है, उसको सब पता है, इंस्टाग्राम तक पे कमेंट आती है तेरे को कि एक दिन जिम जाते हो रील बना के आ जाते हो। तो वो मेरी मर्जी है, तो तेरे को भी वर्कआउट करना है ना, तो तू कर सकती है मेरे साथ वर्कआउट, मैं उसको वर्कआउट परमिशन दे रहा है क्या, तू भी कर ही सकती है मेरे साथ वर्कआउट, तूने ऐसे बोला वर्कआउट उसके साथ मेरा हो जाएगा। और तेरे को पता है उसको देखने के बाद भाई साहब मैंने डबल वेट मारा आज बैक में इतने दिन बाद, अबे टेस्टोस्टेरोन तो बूस्ट होता है इंसान का, लेकिन एक इन अ पॉजिटिव वे, तू अगर तू 12th क्लास में हमारी फिजिकल एजुकेशन की बुक थी उसमें पढ़ेगी ना, वैसे आप मोटिवेटेड भी होते हो वर्कआउट में अच्छा, तो ये भाई जिसने भी 12th में पढ़ी होगी सबको बताओ, तूने पढ़ी थी फिजिकल एजुकेशन थी तेरे पास, तूने होम साइंस ली थी, वो खाना भी बनाना नहीं आता तेरे को, गजब बेइज्जती है। नो डाउट पैनकेक अच्छा बनाती है, तुमने पैनकेक खिलाया था, दिक्कत ये है कि तेरी रोटी गोल नहीं बनती है, तो तू भी मानेगी ऐसे तो बहुत सारी चीजें नहीं होती, तो तू मत करना खराब हाथ, ओबे हाथ तू नहीं मानेगी लिटरली, मैं उससे पूछूंगा भाई कौन सा लोशन लगाती है, उसके हाउस नेम वो थे ना, फोटो मार दूंगा ये, सच में उसके हाथ पता है कितने सॉफ्ट थे, उसने एक बार खा लेना उसके हाथ से रोटी खा लियो कल को, भाई वो बाइसेप का वर्कआउट कर रही थी, उसने सपोर्ट मांगा तो मैंने यहाँ हाथ लगा दिया हाथ मिलाया था ना, ऐसा लग रहा था वो हाई हेलो तो होगी, और मैं क्या करूँ उसके पैर छूंगा, झूठ बोलता नहीं बताता तो तुझ पैसे तेरे को पता तू सोची मैं चीट कर रहा हूँ, चीट साफ बता रहा हूँ मैं भाई, मेरी कोई नहीं नहीं तेरे माइंड में कुछ वो भी नहीं है, और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा ओहो मैं चाहती सबसे पहले अंकित से ये डिस्कस करूंगा आज, तो है वो इतनी सुंदर यार, सुंदर भी नहीं कहूंगा मैं, तो मना कर रही है मेरे प्रोटीन का खर्चा निकल जाएगा, मना करने से कुछ क्या है ट्रेनिंग के लिए, हाँ उसके लिए तो मैं मना कर रही हूँ यार, तू नहीं करनी क्यों हॉट है इसलिए, कुछ भी हो चुड़ी चुड़ी क्यों रही है यार तू, मेरी मर्जी, तू 1.5 महीना वर्कआउट करके काबिल हो जा, मैं तेरे साथ भी वर्कआउट कर लिया करूंगा, क्या बोला तूने काबिल, तू बड़ा हुआ है जो तेरे साथ वर्कआउट करने के लिए काबिल होना पड़ेगा, बोल के रहा पहले देख ले, शर्म है भाई उसको ये पता है, मैं अकेला आता हूं एज अ पार्टनर वर्कआउट करने, हां एज अ पार्टनर मैं बनाऊंगी तुम्हारी, तुम्हारी अच्छी पार्टनरशिप, तू मेरे साथ वर्कआउट करेगी तेरे को, तेरे से तो वैसे ही डंबल नहीं उठता 5 किलो का भी है ना, तू कर वो करती अच्छा वर्कआउट, मैं वर्कआउट करेगी फिर वो सोचेगी अपनी पत्नी पे ध्यान देता है या कुछ, यार उसकी मेंटालिटी थोड़ी कूल टाइप है, अब घरेलू वाली वाइब आएगी वहां पर कि भाई तो पति पता नहीं आ गए, तू समझना तेरे को खुद को बता, तो क्या बकचोदी कर रहा है, बकचोदी क्या है इसमें, तू ये तू एक बात समझ कि मैं वहां ऐसा मैं ना दूर लाते चल यार, तो मैं तो करा रहा हूँ ट्रेनिंग ठीक है, और तू जैसे मेरा वर्कआउट खत्म होने वाला हो तो बता दूं, तू आके थोड़ा सा वर्कआउट कर, ताकि मैं जो स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ तेरा वर्कआउट तब तक खत्म हो जाएगा, वापस आ जाओ 1-1.5 महीने बाद, फिर जब तू ढंग से काम करियो, 15,000 दे रही है ना तेरे को ट्रेनिंग के, उससे 15 ले, मेरे को 30,000 महीने के पैसे दिया कर, तेरे को अच्छा हमको सिखा अलग से, जो आते हैं उसके अलग से 30,000 दिया कर, उसको देख के तो मोटिवेशन आएगा जिम में, वो भी आता है, तेरे को देख के डिमोटिवेशन आता है जिम का, भाई वो लिटरली उसने जब ऐसी स्कर्ट पहनी थी ना ऐसी, और जो तू वर्कआउट कर रही थी वो उसकी, उस लड़की को देख के आदमी ये सोच मन में नहीं करता सर्दी में तेरे को मारने का, जब टिपिकल वो देखते ना आपकी भाई ऐसी लड़कियां सोफे से नीचे उतर जा, मेरा सोफा खराब मत कर, और भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भैया जिम लड़की करती है ना तो ओवरऑल वो बहुत स्मार्ट बनती है, तेरे को भी कहता हूँ जिम कर ले, तेरे को तो करना नहीं, चिढ़ रही है उसकी तारीफ, भाई ऐसे करूंगा तभी तो क्या पता तू जिम चली लेगी, जिस हिसाब से तूने लड़की को कहा इस जिम में आएंगी ऐसी लड़कियां, जिम से क्या मतलब होता है, तू इतने जिम में जाती है, तू अपने आप को सुंदर नहीं मानती, मतलब मैं तो मानती हूँ, मेरे अलावा बोला है मैंने, अलावा नहीं बोला तूने, तो खुद को भी लपेटे में ले लिया, चिड़ी मैं तो, लेकिन चिड़ी
यार अगर मान ले एक लड़की आया ऐसे ठंड देगा ना सही में खींच के पड़ता तेरे को। एक बात बता, अगर एक लड़की आएगी ऐसे ऐसे हाथ आगे करेगी और मैं ऐसे हाथ मिलाऊंगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ही ना, या मैं उससे ऐसे 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 करके ऐसे करूंगा, बता ऐसे तो नहीं कर सकता ना मैं उसके साथ, मैं हाथ ही मिलाऊंगा ना। पर अब वो लड़की इतनी दिक्कत पहन के आएगी तो मैं तो माइंड एक बार आदमी देखता तो ही भाई सुंदर लड़की की तारीफ तो करेगा बंदा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। शकल देगा अपनी चोमू, चोमू क्या होता है, शकल है जैसी शकल है। अब मैंने तेरे को बोला कुछ, तेरे को बोला कुछ नहीं कर सकता तू, चेड़ दिया मेरा बात, वीडियो डाल।